अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे दुआएं आप लोगों के साथ है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह एज द ब्रिटिश पीपल कॉल हिम गॉड। तो दोस्तों आज हमारा शादी जाने का प्रोग्राम है, वो जुनेद भाई है ना उसके यहाँ शादी का प्रोग्राम है। तो उसने हम सब यूनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था कि यानी शादी प्रोग्राम में आ जाए, मतलब उससे बहुत खुशी होगी। हमारे गांव का नज़ारा माशाल्लाह, ये देखिए सुबह का वक़्त है, तकरीबन 9:56 है टाइम, कैमरे में नहीं आया लेकिन 9:56 है सुबह के वक़्त। सुबह के वक़्त अर्लियर तो बहुत मौसम अच्छा था, थोड़ी बहुत बारिश का इम्कान भी थी लेकिन नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। सो गाइज इंशाल्लाह आप लोगों से एक और क्लिप में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों हामिद ने मुझे कहा था कि आप हमारे यहाँ आ जाए पीर चलते इकट्ठे, लेकिन वो यार नहीं आया। उसने कहा कि मैं रास्ते में ही हूँ, वो अभी तक नहीं आया। मैं पैदल ही अपने घर से उसके घर तक गामजन हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, ये मैं पैदल मुझे तय करना पड़ेगा। लो जी आपका लाडला आ गया प्रिंस हैरी। यार क्या कर दिया यार, कितना तका दिया मुझे यार, साइकिल नहीं था तो मेरा कजन सारा ये स्टाइल बनाया हुआ है। मास्क भी पहना है क्योंकि कोरोना अभी फिर से है। कोरोना तो नहीं है, ओमिक्रोन आया है। हां ओके, स्टाइल कैसा? माशाल्लाह एकदम फर्स्ट क्लास। वाओ शूज यार इसके नए और मेरे पुराने। That's not fair. Okay, तो चलते हैं हम, आप लोगों को तो बताया ही था, देखते हैं क्या होता है। ये देखो एहसान भी आ गया है, फाइनली पहुंच गया। यार इसने बहुत देर कर दी यार, मैं पैदल आ रहा था तो फिर बहुत सी तकलीफ उठाना पड़ा क्योंकि मैं पैदल आ रहा था, जॉगिंग कर रहा था यार। बात कोई और था, मैं सोचा कि मैं भूख भी लगेगा ज्यादा, इसलिए मैं पैदल चला। यकीन मुझे इतना भूख लगेगा ना कि जी करते है 2-3 देख मैं अपने खुद ही भूखा भी बेटा है। सुख कर रहा हूँ क्योंकि अभी पढ़ना है रोटी के ऊपर। सही ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। काम फिलहाल हुआ नहीं, हो रहा है। सिर्फ हलवा खा रहे हैं। ईटो ईटो ईटो, वाओ ये कितने अच्छे तरीके से खा रहा है। डोंट डिस्टर्ब मी ब्रो। सब लोग गए हैं, सिर्फ हम रह गए हैं। जितना गेस्ट उतना तो सिर्फ बदन हम उठ गए, लेकिन हम बेगैरत बैठे हैं यार। ये जो बाकी दोस्त नहीं आए हैं ना, इसका हिस्सा भी ये लोग कर रहे हैं। उसने कहा कि उसका भी हिस्सा भी खाना है। सब लोग गए, सिर्फ ये नुबड़े यहाँ पे रह गए। कि ये बंदा जो है ना बहुत फनी था, मैंने कहा ठीक है आगे भी दिखाते हैं कि कितना फनी है कितना फनी नहीं है। यार खाने के बारे में उसने 2 दिन पहले मुझे बताया था कि उधर प्रोग्राम बहुत फिट है।
तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा इतना खा रहा था कि हमारा सिर्फ गुजारा होता था। सही। इतना इतना से खा लेता था यार। अभी जो मैं उसने मैंने सुबह सवेरे उसको फोन किया कि क्या फर्क है, उसने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैंने जो डाइटिंग की वो बिल्कुल ठीक की है। अभी जब मैंने आया, खुदा कसम इतना खाया, इतना खाया कि आप लोग सब लोगों ने देखा था क्या। मैंने जो कहा था, मैं सबसे पहले आया था और कसम से सबसे आखिरी मैं उठ गया। वो फहीम वगैरह के हिस्सा भी कर लिया? नहीं, उसका हिस्सा क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसने बुलाया था यार। हमारा तो फर्ज बन सकता था कि उसके बदले भी हमने कर लिया। तकरीबन दो दोस्त नहीं आए थे। प्रोग्राम तो अच्छा था ना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गोश्त वगैरह ज्यादा थे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो गरीब टाइप के सब लोग, फॉरन जैसे के लोग हैं नहीं जो आप खुद ही समझ जाते। लेकिन हमारे जो यार यहाँ पे बैठते हैं, शादी में खाना खाने के बाद हम यहाँ शॉप पे आए और ये इसे क्या कहते हैं, सूट दोस्तों से पूछ लो, सूट है इधर था, ये सूट ये खरीद लिया तो मोला नहीं। इस भाई का शॉप है माशाल्लाह, डिस्काउंट बहुत ही अलग क्वालिटी की सामान मिलता है यहाँ पे। ये हमने भी खरीद लिए दो आदाद, तो इंशाल्लाह मिलते फिर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली हम अपने घरों पहुंच गए हैं। हमें अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।